हमारी शुरुआत बहुत अच्छी थी, 10 ओवर में ऑलमोस्ट 94 का टोटल रहा, और उसके बाद विकेट स्लो डाउन हो गया, उसके बाद विकेट्स इंटरवल रेगुलर इंटरवल्स पे गिरते लगे, और अभी भी अच्छा ही लग रहा है। बट मेरे हिसाब से उम्मीद थी कि 200 तक कर पाएंगे, 10 ओवर हाथ में थी, बट देखते हैं कितना स्कोर होता है। वेल टीम सबसे ज़्यादा हमारा इस बार फोकस है फिटनेस के ऊपर, तो टीम फिट लग रही है, मतलब इंजरीज जो हर बार होती थी इस बार नहीं है, तो वो एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है टीम के लिए। अभी भी अगर आज हम लोग देखा जाए तो हमारी फुल स्ट्रेंथ से नहीं खेल रहे, बट उम्मीद है कि इस बार कप जीत पाएंगे। शीशांक अच्छे क्रिकेटर हैं हमारे इस देश के, और काफ़ी अच्छा खेलते हैं, काफ़ी अच्छी उनकी एक्सपीरियंस रहा देश के लिए, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, किस तरह की बॉल होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह आपको बैटिंग और बॉलिंग एरियाज में परफॉर्म करने चाहिए, तो आज मैंने काफ़ी कुछ उनके टिप्स लिए, शायद इसलिए मैं अच्छा कर पाया अंदर। हाँ, लेकिन अब करीबन 136 हो चुके हैं 18 ओवर्स में, सो काफ़ी अच्छा कमबैक किया है हमारी टीम ने, स्पेशली समीर कोचर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जिसकी वजह से काफ़ी रन्स हमने कम कर लिया। हमारा टारगेट वैसे भी था यहाँ पर, एटलीस्ट ये हमारा होम ग्राउंड है, सो हम जान चुके हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट यू नीड 160 के आसपास टू एटलीस्ट फाइट, तो हमने काफ़ी कम कर लिए हैं, 136 कर दिए हैं, और लास्ट अभी ओवर बचेगा, तो सन में आई डोंट नो कितने रन इन लोग कवर कर पाएंगे, 8 विकेट्स भी हो चुके हैं, सो आई थिंक वी आर इन द गेम। स्ट्रैटेजी इस साल की, यार मेरा तो ये पहला सीज़न होने वाला है जहाँ पर मैं खेलने वाला हूँ, मेरा तो बस यही है यहाँ पर, मैं तो या फिर हमारी पूरी टीम यहाँ पे सिर्फ एंजॉय करने आती है, बिकॉज एट दी एंड वी आर एक्टिव, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना कुछ आप ज़्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं कि नहीं यार 10 राउंड मारने हैं, सो बस यही है कि भाई जाओ एंजॉय करो, हैव फन, मेक द टीम प्राउड, बस यही। बहुत ही मैं पहले साल से मुंबई के थोड़ा था, उसके बाद केरला स्ट्राइकर्स, अभी सचिन भाई जी का अच्छा दोस्त हूँ, तो सचिन भाई ऑन भी करते हैं, उसके वो कैप्टन भी कर रहे हैं, तो शूट के बीच में था और मुझे पता चला कि मैच चल रहा है, तो मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा, वेंचर का सर भी है, मेरा सिलेक्टर और कोच भी रह चुके हैं, तो टीम भी अच्छा है, सारे अच्छे क्रिकेट भी खेलते हैं, तो मुझे लग रहा है इस साल अच्छा मौका है तेलुगु वारियर्स के लिए जीतने के लिए, तो फिलहाल बॉम्बे में हूँ, तो ज़रूर जहाँ क्रिकेट है सपोर्ट करूँगा, वो दोनों CCL टीम है, तो कल शायद प्रैक्टिस मैच दूसरे भी थे, तो सारे बहुत बड़े इंडस्ट्री के साथ खेल रहे हैं, तो अच्छा है क्रिकेट के लिए और इनके लिए, क्योंकि स्ट्रेस रिलीफ है और शूटिंग के बीच में मस्ती, तो आई थिंक फॉर देम मोर देन एंटरटेनमेंट, आई थिंक इट्स लॉट्स ऑफ फन ऑल्सो, तो मैं क्या बोलूँ, यू शुड आस्क देम, बिकॉज यू शुड आस्क मे बी आई दैट आई थिंक एवरीबडी इज एंजॉइंग एंजॉइंग प्लेइंग एंड व्हाट एल्स कैन आस्क मोर देन वॉचिंग ए गेम विद ऑल द सुपरस्टार्स इन देयर।